प्यारे बच्चे, चलिए हम लोग क्लास 12 के फिर से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है जेटा विभव। और उसके पहले हम लोग जेटा विभव के पहले ये पढ़े थे कि क्या होता है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव और कोलाइडे विलयन तो पहले ही पढ़ चुके थे। टिंडल प्रभाव और उसके बाद अगर बात करें तो जेटा विभव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके आगे ये प्यारे बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक बनाएंगे कोलाइडी विलयन का रक्षण, कोलाइडी विलयन का रक्षण, कोलाइडी विलयन का रक्षण। अब इस कोलाइडी विलयन का रक्षण का प्यारे बच्चों क्या मतलब है उसको जरा समझिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये भी सीखे थे कि कोलाइडी विलयन क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, या फिर यूं बोले तो कोलाइडी विलयन को शुद्ध कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हुए थे। अब हम लोग आज पढ़ रहे हो कि उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया जाए, यानी कि उसको बचाव हेतु हमें कौन कौन सा काम करना पड़ेगा। तो वही हुआ रक्षण। रक्षण का मतलब प्रोटेक्शन, उनका बचाव। ठीक है, तो टॉपिक दिया जाए कोलाइडी विलयन का रक्षण कैसे करेंगे, क्या होता है उसके नीचे लिखा जाए। फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, लिखा जाए कोलाइडी विलयन का अस्कंदन को रोकने के लिए, कोलाइडी विलयन का अस्कंदन, अस्कंदन पहले बच्चों ऐसे लिखेंगे, अस्कंदन को रोकने के लिए लायोफिलिक सोल की अधिक मात्रा में, लायोफिलिक सोल की अधिक मात्रा में मिलाया जाए तो वैद्युत अपघट्य के प्रति, वैद्युत अपघट्य के प्रति काफी अस्थाई हो जाता है, काफी अस्थाई हो जाता है, उसे उसे कोलाइडी विलयन का रक्षण कहा जाता है, उसे कोलाइडी विलयन का रक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, किसी वैद्युत अपघट्य की, किसी वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा में रहने से, अधिक मात्रा में रहने से कोलाइडी कण एक साथ जुड़कर, कोलाइडी कण एक साथ जुड़कर बड़े आकार के अणु के रूप में, बड़े आकार के अणु के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, उसे उसे अस्कंदन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब अस्कंदन, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अस्कंदन के बारे में, और जब आप अस्कंदन सीख जाइएगा तभी आप रक्षण को समझिएगा कि रक्षण क्या है कोलाइडी विलयन का। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए अस्कंदन का, तो किसी कोलाइडी विलयन का वह मेथड या वह पदार्थ होता है अस्कंदन, या वह क्रिया होता है जिसके वजह से कोई भी विलयन या फिर कोई भी सोल, कोई भी विलयन या कोई भी सोल एक वैद्युत अपघट्य की तरह आपस में जुड़कर, यानी आपस में मिलकर एक अस्थाई बनाने का काम करता है। प्यारे बच्चों, हम लोग तो सीखे हुए हैं कि क्या होता है वैद्युत अपघट्य, क्या होता है वैद्युत अनपघट्य, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में।
तो अभी हम लोग को स्कंदन समझना है। देखिए स्कंदन वह प्रक्रिया होता है, स्कंदन वह प्रक्रिया होता है जो किसी भी कोलाइडी विलयन में छोटे छोटे कणों को आपस में जुड़कर या फिर उसको मिलाकर एक वैद्युत अपघट्य जैसा विलयन जैसा काम करता है, वो कहलाता है स्कंदन। अच्छा, स्कंदन में ऐसा और छोटी छोटी पदार्थ को मिलाया जाए जिससे वह अपघट्य का भाग स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाए का मतलब प्यारे बच्चों रुक जाए, ठीक है। वैद्युत अपघट्य का वैल्यू बढ़े नहीं, जितना है बस उतना ही रहे, तब उसको हम लोग बोलते हैं रक्षण। रक्षण का मतलब क्या? रक्षण का मतलब उसको रक्षा करना, कोलाइडी विलयन को रक्षा करना। तो रक्षा जो किया जाता है प्यारे छात्रों वो स्कंदन से किया जाता है। और स्कंदन क्या होता है? तो स्कंदन में छोटे छोटे कण आपस में मिलकर एक वैद्युत अपघट्य जैसा, एक वैद्युत अपघट्य जैसा जो पदार्थ है उसके भाग को, उसके अस्थायी भाग को मतलब बोल सकते हैं कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये है कोलाइडी विलयन का रक्षण। इसमें स्कंदन का बहुत इंपोर्टेंट है, तो हम लोग स्कंदन भी समझे और उसका रक्षण भी समझे। चलिए अब आइए आगे आते हैं, सीखते हैं हम लोग गोल्ड संख्या क्या होता है। तो टॉपिक बनाएंगे गोल्ड संख्या। ये प्यारे बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है, ये पूछ चुका है कि गोल्ड संख्या क्या है या गोल्ड संख्या को परिभाषित कीजिए। उसके नीचे लिखिएगा, गोल्ड संख्या के नीचे एरो देकर लिखेंगे लायोफिलिक कोलाइडी विलयन की, लायोफिलिक कोलाइडी विलयन की रक्षण शक्तियां अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अतः इनकी माप जिस संख्या द्वारा मापा जाता है उसे ही गोल्ड संख्या कहा जाता है, उसे ही गोल्ड संख्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग रक्षण के बारे में सीखे, रक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन, उसको रक्षा करना, तो उसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों का जो लायोफिलिक कोलाइडी विलयन है, हम लोग तो पढ़े हैं कि लायोफोबिक क्या होता है, लायोफिलिक क्या होता है। तो ध्यान रहे अलग अलग पदार्थ की, अलग अलग लायोफिलिक कोलाइडी विलयन की जो शक्तियां हैं, रक्षा करने की शक्ति है, वो अलग अलग होती है। इसीलिए इनकी जो रक्षण शक्ति का जो मान है उसको मापने के लिए, उस मान को व्यक्त करने के लिए, कितना मान है उसका, रक्षण शक्ति कितना है, इस बात को व्यक्त करने के लिए जिस संख्या का व्यवहार होता है उसको गोल्ड संख्या कहते हैं। जैसे प्यारे छात्रों फिजिक्स का अगर बात करें तो विद्युत धारा किसमें मापते हैं हम लोग, एम्पियर में मापते हैं। उसी तरीके से आप ये समझिए कि लायोफिलिक जो विलयन है उसकी शक्ति को मापने के लिए एक संख्या का व्यवहार होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गोल्ड संख्या। चलिए आइए देखते हैं एक टेबल के माध्यम से कि एक तरफ पदार्थ है और एक तरफ उसका गोल्ड संख्या है। अब गोल्ड संख्या का मतलब क्या है कि गोल्ड संख्या का मान जितना ज्यादा होगा उसका शक्ति उतना ही ज्यादा माना जाता है। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करें तो जिलेटिन आता है, तो जिलेटिन का जो गोल्ड संख्या होता है वो 0.005 से लेकर 0.01 के बीच में होता है। इसीलिए बोलेंगे कि इसका रक्षण शक्ति बहुत कम है क्योंकि गोल्ड संख्या इसका कम है। फिर अगर बात करें अगले का तो एक है हेमोग्लोबिन। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे हेमोग्लोबिन का जो रक्षण शक्ति है वो 0.03 से लेकर 0.07 है। इसका मतलब बोले कि हीमोग्लोबिन का जो गोल्ड संख्या है 0.03 से लेकर 0.07 है। अच्छा फिर है स्टार्च का जो है वो 25 है। तो अभी हम लोग तीन एग्जाम्पल ही इसका एक टेबल में कर लेंगे ताकि ये पता चल रहा है कि बहुत तरह का अलग अलग लायोफिलिक विलयन है उसका गोल्ड संख्या बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। और यही तो बता रहा है कि इनकी रक्षण शक्तियां क्या होती है, अलग अलग होती है।
और जिनकी रक्षण शक्ति ज्यादा होता है उसका गोल्ड संख्या ज्यादा होता है, जिसका रक्षण शक्ति कमजोर होता है कम होता है उसका गोल्ड संख्या कम होता है। तो ये एक टेबल को बना लेंगे, हालांकि ये इसको याद नहीं करना है, अक्सर सवाल आता है कि गोल्ड संख्या क्या है, गोल्ड संख्या को परिभाषित करें, तो वहां से सवाल आ सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल बना लीजिएगा बस, कि कुछ पदार्थ है और उन पदार्थों का कुछ गोल्ड संख्या लिखा हुआ है, गोल्ड संख्या दिया हुआ है। अब चलिए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। गोल्ड संख्या के आगे इसको जरूर एक टेबल में नोट कर लीजिएगा कि किस पदार्थ का गोल्ड संख्या कितना होता है, और याद कर लीजिएगा कि गोल्ड संख्या क्या है। तो वह संख्या है जो लायोफिलिक कोलाइडिविलियन के शक्ति का मापता है, मापने का काम करता है, वो है गोल्ड संख्या। अब आइए आगे आते हैं, सीखते हैं पायस के बारे में कि ये पायस क्या है। तो ये भी वीवीआई है, पायस के बारे में, तो इसको वीवीआई पॉइंट करके इसके नीचे का फर्स्ट एरो देंगे कि पायस क्या है, पायस का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो लिखा जाए पायस के बारे में, वह कोलाइडिविलियन जिसमें परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हो उसे पायस कहा जाता है, उसे पायस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे, नेक्स्ट एरो, पायस के दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है प्यारे बच्चों तेल का जल में पायस। फिर दूसरा लिखिएगा जल का तेल में पायस। प्यारे बच्चे इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले पायस का मीनिंग समझते हैं कि पायस क्या है, और उसको फिर सबसे पहले पायस का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग तो सीखे ही हैं, जब कोलाइडिंग स्टार्ट किए थे कोलाइड्स के बारे में पढ़ना, तो प्यारे बच्चों हम लोग वहां पे सीखे थे कि कोलाइडी अवस्था को प्यारे बच्चों 8 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक होता है परिक्षिप्त परावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। अब परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम का मतलब क्या है ये भी हम पहले बता चुके हैं। परिक्षिप्त परावस्था का मतलब प्यारे छात्रों विलय हुआ, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब प्यारे छात्रों एक तरह का विलायक हुआ, ठीक है, जैसे कि हम लोग विलयन में पढ़ते थे। तो यहां अगर हमसे कोई पूछेगा कि पायस क्या है, तो आप यही बात बोलेंगे कि जब परिक्षिप्त परावस्था का कण और परिक्षेपण माध्यम का कण अगर दोनों का दोनों अगर द्रव हो गया प्यारे बच्चों, तब हम उसको बोलते हैं पायस। यानी कि पायस का क्या डेफिनेशन हुआ कि जब परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों का दोनों ही द्रव होगा, तब हम उसको बोल देंगे प्यारे बच्चों क्या, पायस। तो ये तो समझ गए कि पायस क्या है। तो जब दोनों माध्यम यानी कि परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों अगर द्रव हो गया, तब हो गया वो पायस। अब पायस का कितना प्रकार है जरा इसको सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पायस के दो प्रकार हैं, एक का नाम है तेल का जल में पायस। आप प्यारे बच्चों समझ पा रहे हैं कि तेल भी एक तरह का द्रव है, जल भी एक तरह का द्रव है। अब यहां और यहां में दोनों में फर्क है प्यारे बच्चों। तेल का जल में पायस का मतलब यह हुआ कि जल बहुत अधिक मात्रा में है, हम उसको तेल जल में डाल रहे हैं, यानी कि जल में क्या डाला जा रहा है, तेल, और यहां पे तेल में जल डाला जा रहा है, समझ पा रहे हैं। यानी कि यहां पे जल की मात्रा ज्यादा है, तेल की मात्रा कम है, यहां तेल की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा कम है। यानी कि एक को जल में तेल को घोला जा रहा है और एक को तेल में जल को घोला जा रहा है,
इसीलिए पायस के दो प्रकार हो गए, जल का तेल में और तेल का जल में पायस। तो चलिए अब इन दोनों चीजों को बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि तेल का जल में पायस का मतलब क्या है। तो पहला हम लोग को जो प्रोसेस मिला, पहला का नाम क्या है, तेल का जल में पायस, और दूसरा क्या है बच्चों, जल का तेल में पायस। तो सबसे इससे बात ये पता चल रहा है कि सबसे पहले आप एक कंटेनर लीजिए, क्योंकि तेल का जल में, यानी कि यहां पे जल की मात्रा जो है वो ज्यादा लेना है, तो आप यहां पे जल का मात्रा ज्यादा ले लीजिए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, फिर से एक इधर कंटेनर लेंगे, तो इधर कंटेनर लेंगे प्यारे बच्चों, तो कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे नजर आएगा। एक कंटेनर, एक बर्तन है, दोनों तरफ ले लिया है। एक तरफ प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि तेल का जल में है तो यहां पे जल का मात्रा ज्यादा ले लीजिए, तेल हम लोग यहां पे सॉरी जल ज्यादा ले लिए हैं, ये जल है। और प्यारे बच्चों जो हम लोग को तेल लेना है वो बिल्कुल कम मात्रा में लेना है। तो अब इस प्रक्रिया को भी हम लोग पायस बोलेंगे, यानी जो ब्लू वाला है वो क्या है, तेल है, और जो ब्लैक वाला है प्यारे बच्चों ये क्या है, जल है। तो अगर हम लोग जल में अगर तेल को घोलेंगे ये भी एक तरह का पायस का काम करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखते होंगे कि तेल जो है जल में नहीं घुलता है, वो पायस की तरह रहता है, मतलब कि ऊपर आप कभी भी तेल में जल को या जल में तेल को, हमेशा तेल पानी के सरफेस के ऊपर आकर जमा हो जाता है, यानी कि इसी यही प्रक्रिया को पायस कहा जाता है। यानी कि दो लिक्विड हो, चाहे वो दोनों लिक्विड किसी में किसी क्यों ना हो, जल में तेल हो चाहे तेल में जल हो, हमेशा ऊपर किसको आना रहता है, तेल को ही आना रहता है। यानी पूरी तरीके से प्यारे बच्चों ये मिलते नहीं है, ये बिल्कुल अलग रहते हैं। जैसे कि आप पानी में बालू को नहीं घोल सकते हैं, उसी तरीके से तेल को भी पानी में आप नहीं घोल सकते हैं। ये एक तरीके के पायस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जल का तेल में अगर करें तो यानी कि यहां पे तेल ज्यादा है, यानी कि ब्लू वाला से हम लोग तेल को दिखाते हैं, तो यहां पे तेल ज्यादा रख लीजिए। यानी कि दो सिचुएशन होता है, ये हो गया तेल और कम मात्रा में जल, तो यहां भी एक पायस की तरह काम करेगा, मतलब नहीं घुलने वाला है, ये हो गया जल। तो यहां पे दो तरीके का आपको फिगर बनाना होगा, एक तेल का जल में, इसका मतलब ये हुआ कि जल का मात्रा ज्यादा और तेल का मात्रा कम, और तेल में जल का मतलब ये हुआ कि जल का जल ज्यादा होना, तेल ज्यादा होना चाहिए और जल की मात्रा कम होनी चाहिए। तो ये है प्यारे बच्चों पायस। तुम लोग पायस के बारे में बढ़िया तरीके से देखें। अब चलिए एक और चीज सीख लेते हैं जिसका नाम है पृष्ठ सक्रिय कारक। अब वो क्या होता है जरा उसको समझते हैं कि पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है। एकदम छोटा सा पॉइंट है, हालांकि हम लोग टॉपिक के वजह से सीखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग बात, पृष्ठ सक्रिय कारक, पृष्ठ सक्रिय कारक, उसके नीचे एरो देंगे, पृष्ठ सक्रिय कारक के नीचे, ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, उसे पृष्ठ सक्रिय कारक कहा जाता है, प्यारे बच्चों पृष्ठ सक्रिय कारक का मतलब क्या है वो समझिए। आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि जो वर्षा की बूंदे हैं जब धरती पे आती है तो वो गोलाकार रचना ले लेती है, गोल गोल बूंदे ऑटोमेटिक हमारे धरती पे गिरता है। इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। उसमें सरफेस टेंशन होता है जिसके वजह से जैसे ही बादल से वो बूंदे गिरती है तो ऑटोमेटिक रास्ते में ही गोल हो जाती है
और यहां भी हमें गोल ही पाया जाता है, हमें गोल ही प्राप्त होता है वर्षा के बूंदे। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्रिया होती है वो पृष्ठ तनाव की क्रिया होती है। पृष्ठ तनाव की क्रिया के वजह से वो चारों तरफ से जो सरफेस है वो मिल जाता है, एक गोला बन जाता है। प्यारे बच्चों, हम लोग भी पृष्ठ तनाव और पृष्ठ सक्रिय कारक का मतलब वही समझेंगे। पृष्ठ सक्रिय कारक का मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ हो जिसका पृष्ठ तनाव कम हो जाए, यानी कि वह पदार्थ जो किसी भी अन्य पदार्थ को पृष्ठ तनाव को कम कर दे, घटा दे, उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। प्यारे बच्चों, सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग घरों में यूज करते हैं साबुन, तरह तरह की साबुन, नहाने वाले साबुन, धोने वाले साबुन, कपड़ा धोने वाले, अलग अलग तरह की, कई तरह की साबुन सर्फ है, वो सभी क्या करते हैं? पृष्ठ सक्रिय कारक का ही काम करते हैं। वो पृष्ठ तनाव को घटाने का काम करते हैं, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बंधा हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोगों की जो शरीर पे बैठा हुआ मैल, शरीर पे बैठा हुआ गंदगी, एक कपड़ा में बैठा हुआ धूलकण, वो सभी साफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो साबुन क्या करता है? वो साबुन काम करता है उसके पृष्ठ तनाव को कम करता है। तो पृष्ठ तनाव को जैसे ही मान लिया कि एक बूंद है और बूंद बिल्कुल रास्ते में, जैसे मान लिया कि बादल से वो आ रहा होगा और रास्ते में ही वो गोला बन जा रहा होगा, वही ना पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब कुछ ऐसा मटेरियल ला दे रहे हैं कि वो गोला नहीं बन रहा है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो एक सरफेस उसका यानी कि गोला है उसको तोड़ने का काम करता है। पृष्ठ तनाव घट जाए का मतलब क्या है? वो पूर्ण अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं साबुन सर्फ, जो गंदगी को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम ओलिएट। नाम उसका क्या है प्यारे बच्चों? सोडियम ओलिएट। सोडियम ओलिएट प्यारे बच्चों हम लोग की जो साबुन है उसमें यूज किया जाता है, जो काम करता है किसी भी पदार्थ के पृष्ठ तनाव को घटाने का काम करता है। इस जो जो कारक अगर किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ तनाव को घटाएगा प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोल देते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। और पृष्ठ सक्रिय का सबसे एग्जाम्पल बेस्ट है वो क्या है? तो साबुन है या फिर सोडियम ओलिएट है। तो इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए प्यारे बच्चों, साबुन कॉमा सोडियम ओलिएट एक तरह का रसायन है जो साबुन में भी इस्तेमाल होता है, सोडियम ओलिएट। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास तक के यहीं तक समाप्त करते हैं। पृष्ठीय सक्रिय कारक का काज पढ़े हैं, फिर अगले क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। धन्यवाद।